अक्सर आपने दादी नानी को कहते हुए सुना होगा कि बैठे हुए पैर नहीं हिलाना चाहिए, लेकिन आपने कभी सोचा है कि वो लोग ऐसा क्यों कहते हैं? चलिए हम आपको बताते हैं कि वो ऐसा क्यों कहते हैं। इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अक्सर कुछ लोगों को बैठे हुए पैर हिलाने की आदतें होती है, ऐसे में अगर आपको भी इस तरह की कोई आदत है तो ये आपके लिए खतरनाक साबित हो सकती है। दरअसल ये शरीर में आयरन की कमी को दिखाती है। ये समस्या ज्यादातर 35 से ज्यादा उम्र के लोगों को होती है। एक शोध के मुताबिक जो लोग ज्यादा पैर हिलाते हैं उन्हें दिल का दौरा पड़ने का खतरा रहता है। इस समस्या को रेस्टलेस सिंड्रोम कहते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इस समस्या के क्या लक्षण हैं, इसके क्या इलाज हैं और इसके कारणों के बारे में। चलिए जानते हैं कि रेस्टलेस सिंड्रोम के क्या कारण हैं। यह बीमारी शरीर में आयरन की कमी की वजह से होती है। इसके अलावा किडनी, पार्किंसन से जूझ रहे मरीजों व गर्भवतियों में डिलीवरी के अंतिम दिनों में हार्मोनल बदलाव की वजह से भी ये समस्याएं हो सकती है। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति ज्यादा शराब का सेवन करता है या फिर एलर्जी और जुकाम की दवाइयों का खाता है तो भी रेस्टलेस सिंड्रोम होने का खतरा रहता है। इसके साथ ही शुगर, बीपी व दिल के मरीजों में भी इसका खतरा बढ़ता है। अब जानते हैं कि रेस्टलेस सिंड्रोम का क्या इलाज है। इस बीमारी के इलाज के तौर पर आयरन की दवाएं दी जाती है। दरअसल यह आयरन की कमी से होता है, इसलिए इसे दूर करने के लिए सबसे पहले आयरन की दवाइयां ही दी जाती है ताकि शरीर में आयरन की पूर्ति हो जाए। इसके साथ ही कुछ अन्य दवाइयां भी दी जाती है जो सोने से 2 घंटे पहले लेनी होती है। ये नींद न आने की समस्याओं को भी दूर करती है। इसके अलावा कुछ खास व्यायाम करके भी इस समस्या से राहत पाई जा सकती है। अब जानते हैं कि रेस्टलेस सिंड्रोम के क्या लक्षण हैं। कैसे पहचाने इसे? रेस्टलेस सिंड्रोम का सबसे शुरुआती लक्षण होता है पैरों में झंझनाहट और चींटियों के चलने जैसा महसूस होना। जो व्यक्ति ज्यादा चिंता में रहता है उनमें से ये समस्याएं ज्यादा देखने को मिलती है। इसके साथ ही जो व्यक्ति पैरों को बार बार हिलाता है उसके नकारात्मक विचारों को ज्यादा ऊर्जा मिलती है, जिसे चिंता व तनाव की स्थिति बनती है जो आपके दिल के लिए खतरनाक हो सकता है। अगर आपको भी बैठकर पैर हिलाने की आदत है तो इसे आज ही छोड़ दें, इससे हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है।